वाटर साइकिल फर्स्ट आ कॉन्टेंट्स वाटर अर्थ देन एवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन आरान ऑफ इनफिल्ट्रेशन एंड द सब सरफेस फ्लो तो फर्स्ट आ वाटर अर्थ स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाट इज वाटर साइकिल वाटर साइकिल बेसिकली ये फ्लो ऑफ वाटर है इन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर कि बायोस्फीयर के अंदर डिफरेंट मटीरियल जो होते हैं जिस तरह से हमारे पास नाइट्रोजन है फास्फोरस है या फिर सल्फर साइकल्स है. हैं ये डिफरेंट बायोजियो केमिकल साइकल्स हैं जिसमें फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं वो नाइट्रोजन एयर से नाइट्रेट्स की फार्म में सॉयल से प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे दैन नाइट्रेट्स से आगे नाइट्रोजन जो हाइट इज़ कन्वर्टेड इंटू प्रोटीन्स प्रोटीन्स प्लांट्स यूज़ करेंगे एनिमल्स यूज़ करेंगे फिर जब प्लांट्स और एनिमल की डेथ होगी या जो उनकी एक्स्रूटरी प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ फिर नाइट्रोजन अगेन वापस दोबारा जो डिकम्पोज होगी और नाइट्रोजन गैस की फार्म में इन्वायरमेंट में चली जाएगी तो ये एक पूरा एक साइकिल फ्लो चलेगा इसी तरह से जो वाटर साइकिल है वाटर भी जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जो बायोस्फीयर्स हैं उसके अंदर क्या करता है कि बाकायदा साइकिल होता है जो वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में मूव करता है तो अगर हम देखें तमाम जितने भी हमारे पास बायोजी केमिकल साइकल्स हैं उसमें जो वाटर की वाटर साइकिल इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर की इम्पोर्टेंस से रेफरेंस है बिकॉज इट इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ वाटर जो है उस इसके बगैर किसी तरह की लाइफ जो है पॉसिबल ना है नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट वाटर सो अच्छा अब हम बात करें कि जो वाटर है इट इज़ इसशियल टू लाइफ तो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम अर्थ की बात करें जैसे हम कहते हैं कि मोर देन सेवेंटी वन परसेंट ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड बाई ओशंस ये सेवेंटी वन परसेंट ऑफ अर्थ जो है उसकी किसने कवर किया वाटर ने कवर किया हुआ है इसी तरह से बहुत बड़ी अमाउंट में वाटर है जो ग्लेशियर्स के ऊपर डिपॉजिट है ग्लेशियर्स के फार्म में या फिर जो पोलर रीजन है जैसे नॉर्थन और साउथर्न पोल्स हैं वहाँ क्या है कि आइस कैप्स मौजूद हैं इस तरह से वाटर जो है वो लेक्स रिवर्स स्प्रिंग्स की फार्म जो है वो मौजूद है तो अगर टोटल वाटर की अमाउंट हम बात करें तो इट्स अबाउट नाइन्टी सेवन परसेंट ऑफ वाटर नाइन्टी सेवन परसेंट वाटर वो जो है दैट इज प्रेजेंट इन दी मेरीन फॉर्म मेरीन वाटर के फॉर्म में मौजूद है मेरीन वाटर मीन साल्ट वाटर है दैट इज़ नॉट जो वो हाई साल्ट कंसनट्रेशन है इसी वजह से हम उसको जो है वो दैट इज नॉट यूज़ेबल फॉर आस कि हम उसको डायरेक्टली जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं इट मीन्स नाइन्टी सेवन परसेंट वाटर तो वैसे ही साइड पर हो गया अब जो रिमेनिंग वाटर है दैट इज अ थ्री परसेंट थ्री परसेंट में से मैक्सिमम वाटर जो है वो यानी अगर थ्री परसेंट में हम तकरीबन टू परसेंट के करीब जो है वाटर वो है जो कि ग्लेशियर्स के ऊपर या फिर पोल्स के ऊपर क्या है डिपॉजिट है इट इज ग्लेशियर्स के फार्म में क्या है मौजूद है फ्रोजन फार्म में मौजूद है इट मीन दैट इज़ आल्सो नॉट इन डायरेक्ट एक्सेस ऑफ ह्यूमन वो भी हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स जो वाटर का है वो वाटर है जो कि अंडरग्राउंड वाटर है तो अंडरग्राउंड वाटर जो है इट इज़ ऑल्सो इन रीजनेबल अमाउंट तो जो सर्फेस के ऊपर वाटर अवेलेबल है दैट इज़ वेरी लिटल अमाउंट ऑफ वाटर अगर हम सरफेस वाटर को शामिल कर लें साथ चले ग्राउंड वाटर को भी शामिल कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली वन परसेंट वाटर इज अवेलेबल टू ह्यूमन वन परसेंट वाटर जो है वो क्या करता है ह्यूमन जो है उसको यूज़ करता है तमाम लाइफ एक्टिविटीज के लिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हाउस होल्ड तमाम कामों के लिए यूज़ किया जाता है सो so, अब हम बात करते हैं वेयर फ्राम वाटर साइकिल विल स्टार्ट साइकिल तो चूंकि साइकिल की प्रोसेस है वी कैन स्टार्ट फ्राम एनी वेयर लेकिन अगर हम सिंपली बात करें कि वाटर को हम जो वाटर के रिसोर्सेज हैं मेन रेजरवायर है वाटर दैट इज द ओशन वाटर है तो सबसे पहले राइजर वायर से जो वाटर है इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द वेपर्स तो ओशन से रिवर से लेक से वाटर जो है वो क्या करेगा वेपर्स की फॉर्म में एटमोसफेयर में चला जाएगा इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे इट इज़ अ इवेपोरेशन है सिमिलरली वाटर बॉडीज़ के अलावा जो एनिमल्स हैं इनके जो है सर्फिस से भी वाटर वेपर्स की फार्म में जब वो जब है वेपोरेट होता है सिमिलरली प्लांट्स से एक बहुत बड़ी अमाउंट में वाटर जो है वो ट्रांसपरेशन के दौरान जो वेपोरेट होता है इस तरह से जो आइस कैप्स हैं या जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से डायरेक्टली वाटर वेपोराइज नहीं होगा क्योंकि वो आइस है तो आइस नॉर्मली क्योंकि वहाँ विंड फ्लो ज़्यादा होता है तो आइस डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होती है दैट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन प्रोसेस तो सब्लिमेशन ट्रांसपारेशन वेपोरेशन आल दिस प्रोसेस दे कंट्रीब्यूट इन द कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई ये किस तरह तरीके ये सारा वाटर जब ऊपर स्काई में चला जाएगा क्लाउड्स की फार्म में जब वो जमा होना शुरू हो जाएगा सेकेंड स्टेप अवेपोरेशन के बाद अगला वाटर साइकिल स्टेप दैट इज अ प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेट का लफसी मतलब क्या था कि रेन यानी कि रेन और स्नो या फिर जिससे जितने भी जो प्रोसेस जिसमें वाटर जब वो जमीन की तरफ आता है इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन है तो so, अब प्रेसिपिटेशन के लिए क्या था कि फर्स्ट स्टेप जो अवेपोरेशन होगी वाटर वेपर्स जब हाइट पर जाएंगे तो दे विल कूल डाउन वाटर वेपर्स के कूल cool डाउन होने से अल्टीमेटली विल फॉर्म द क्लाउड्स अब क्लाउड्स जो हैं चूंकि थोड़े डेंस होते हैं सो विंड विल मूव द क्लाउड्स फ्राम वन प्लेस टू द अदर तो विन्स जो है वो क्या करें क्लाउड्स को एक जगह दूसरी जगह मूव करती चली जाएगी अनटिल क्लाउड्स आर फर्दर कोल डाउन फिर यह होता है कि नॉर्मल जब वो किसी बड़ी माउंटेन से टिकराते हैं या किसी ऐसे इन्वामेंटल कंडीशन आ जाते हैं जो क्लाउड्स हैं तो वो फर्दर कोल डाउन हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाए कि जा? जो क्लाउड्स हैं उसमें से बायदा प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा प्रेसिपिटेशन मीन उसमें से जब वो रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी अगर बहुत कोल्ड रीजन है तो उसके अंदर फिर क्या होगा कि ये रेनफॉल के बजाय डायरेक्ट स्नोफॉल हो सकती है सो so, अगर हम बात करें और वेपोरेशन जितनी भी होती है वाटर की तकरीबन 86 परसेंट वाटर जो है वो ओशन से वेपोरेट होकर ऊपर जा उठता है अब जो रेनफॉल है उसमें तकरीबन अगर हम बात करें 78 परसेंट ट्रेन जो होती है वो सीधी ओशंस के ऊपर आती है जबकि जो बाकी ट्वेंटी टू परसेंट ट्रेन है वो लैंड के ऊपर यानी कि पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो जो है वो लैंड एरिया जहाँ जमीन जो है उसके ऊपर पड़ेगी तो द नेक्स्ट स्टेप प्रेसिपिटेशन के बाद अगला स्टेप है कि उस वाटर ने क्या करना है फ्लो करना है अगेन जो वाटर जो है टू वेल फ्लो वाटर के फ्लो को हम कहते हैं रन ऑफ जब प्रेसिपिटेशन होगी तो उसके बाद क्या होगा कि वाटर रन ऑफ होगा और वाटर रन ऑफ से क्या होगा कि वाटर दोबारा ओशियंस की तरफ जो है वो मूव करना शुरू करता है वाटर रन ऑफ जो है वो हमारे पास ये सर्फेस रन ऑफ भी हो सकता है या फिर इसको हम दूसरा देते हैं चैनल रन ऑफ सर्फिस रन ऑफ से मुराद यह है कि ओपन लैंड के ऊपर जो वाटर फ्लो कर दैट इज अ अर्फ रन ऑफ रन ऑफ जबकि वाटर वो जो स्ट्रीम्स की फार्म है रिवर्स के अंदर जो है मूव कर रहा है दैट इज कॉल्ड द चैनल रन ऑफ अगला स्टेप जो है रन ऑफ के बाद इसके साथ एक और स्टेप भी प्रोसीडर रन ऑफ के साथ ही है दैट इज द इनफिल्ट्रेशन एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन वो प्रोसेस जिसके दौरान जो सर्फेस के ऊपर जो वाटर फ्लो कर रहा है जो रिवर से आगे ओशन की तरफ जा रहा है उसमें एक बहुत बड़ी अमाउंट अमाउंट वाटर की वो होती है जो जमीन के अंदर क्या होता है एबजॉर्ब हो जाता है जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है ये इसमें से कुछ तो वो होगा जो सॉयल को मॉइस्ट रखेगा जबकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वो होगा जाकर नीचे क्या करेगा वाटर टेबल जो है उसको जो है वो फिल करेगी यानी कि जमीन के अंदर एब्जॉर्ब होगा उसके नीचे जमीन के अंदर जो है वो स्पेसिफिक स्पेसिस हैं कैविटीज़ हैं जहाँ वाटर क्या होता है कि जमा हो जाता है जा, जिनको एक्फेयरस बोलते हैं तो वाटर जो है हाँ वो जो इनफिल्ट्रेट होगा जो ज़मीन के अंदर एबजॉर्ब होगा वो अल्टीमेटली जो है का हिस्सा बन जाएगा तो के अंदर वाटर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक क्या करता है स्टोर रह सकता है और इसे अब कहता है कि इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं पहला बेनिफिट ये है कि अगर आप देखें जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं अब जैसे हमारे पाकिस्तान में मर्री हिल्स हैं या बाकी माउंटेनस एरियाज अगर यहाँ स्नोफॉल ना हो प्रेसिपिटेशन ना हो तो चंद सालों में वहाँ जितने भी स्प्रिंग्स हैं जितने भी वो सारे के साथ ड्राई होना शुरू होते हैं चश्मे जितने भी खुश्क होना शुरू हो जाते हैं क्यों क्योंकि जब तक प्रेसिपिटेशन नहीं होगी तो इनफिल्ट्रेशन नहीं होगी तो अगर जब इनफिल्ट्रेशन होगी तो उसके बाद वाटर के अंदर जाकर जहाँ जमीन के अंदर वाटर स्टोर होगा जो बाद में स्प्रिंग्स के फार्म में वो निकल आएगा या फिर जो हमारे यानी कि प्लेन्स हैं वहाँ उसके अंदर क्या होता है कि तो वाटर जो होता तो है उसको बाकायदा जो है वो पम्प्स की फॉर्म में जो वो बाहर निकाला जाता है इनफिल्ट्रेशन के बाद अगला स्टेप जो है वो देखिए जो रन ऑफ है रन ऑफ में वाटर फ्लो करता है वो अल्टीमेटली ओशनस की तरफ जा रहा है और इस दौरान बहुत सारा वाटर जो होगा वापर वापस क्या करेगा एवेपरेट भी हो जाएगा जो वाटर इनफिल्ट्रेट इन्फिल्ट, करके गया है उसमें वो क्या करेगा वो ग्राउंड वाटर टेबल जो है उसको क्या करेगा फिल करेगा अब जो एक्वाफेयर्स हैं जो ज़मीन के अंदर ये अल्टीमेटली ज़मीन के अंदर ही अंदर दे विल फ्लो टू वर्ड्स द ओशन इसमें वाटर जो होगा क्या करेगा ओशन की तरफ जो है वो आता आसा फ्लो करना शुरू कर जाएगा और अल्टीमेटली इसने क्या करना है कि ओशन्स तक पहुँच जाना है अब ओशंस तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स कि इसको जो है वो ये सब सर्फेस फ्लो के अंदर जो है थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग सकते हैं जो वाटर है लेकिन अल्टीमेट डेस्टिनेशन उसकी वही है जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था दैट इज़ द ओशंस हैं वो यह हमारे पास डायग्राम है वाटर साइकिल के हम इसमें सारे स्टेप्स को क्लियरली देख सकते हैं लेट वी स्टार्ट फ्रॉम वेपोरेशन ओशंस हैं ओशन से तकरीबन जो है मैक्सिमम तो 86 परसेंट जो है वाटर वेपोरेट करके क्लाउड्स के फॉर्म में जाएगा इससे प्लांट से ट्रांसपरेशन होगी और जो आइस कैप्स हैं यहाँ से सब्लिमेशन होगी सब्लिमेशन कहते हैं कि आइस का डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना यानी आइस से वाटर नहीं बनता बल्कि आइस से डायरेक्ट वेपर्स बन जाते हैं अल्टीमेटली सेकेंड स्टेप के ऊपर इसमें जो है वो क्लाउड्स फॉर्मेशन होगी उसके बाद थर्ड स्टेप के ऊपर यानी कि इसमें क्लाउड जो है दे विल प्रेसिपिटेट डाउन बारिश की शक्ल में आएंगे उसके बाद रन ऑफ होगा रन ऑफ से मरा दी कि ज़मीन के ऊपर जो है वाटर फ्लो करेगा तो बहुत सारा वाटर वो, वो जगह इनफिल्ट्रेट कर जाएगा जो अंडरग्राउंड वाटर की फार्म में चला जाएगा अंडरग्राउंड वाटर में से बहुत सारा वो है जो स्प्रिंग्स की फार्म में दोबारा ज़मीन के किसी न किसी हिस्से से, से बाहर आ जाएगा लेकिन कुछ वो होगा जो नीचे एक्फेयरस में स्टोर हो जाएगा और अल्टीमेटली वो फ्लो करता हुआ तो आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो है हाँ वो पहुंच जाएगा टू द ओशंस जब ओशंस में recycle, तो जाएगा अगेन दिस प्रोसेस विल रीसाइकिल तो इस तरह से वाटर साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा